आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। ये वन टू वन ट्रांसफर होगा। हमारा विजन है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और इस बस ये बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है। जी हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप करते हैं, फिर अगली टॉपिक पे जाते हैं। रिकैप करना बहुत ज़रूरी है या फिर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ रहे थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के टाइप्स क्या 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 है, ठीक है। इसमें दो टाइप हमने देखा, एक फॉर्मल था और एक इनफॉर्मल था, ठीक है। इनफॉर्मल में आ गए थे आपके लेंडर्स, ट्रेडर्स, लोकल बैंक्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया इनफॉर्मल सिस्टम, ठीक है। और एक फॉर्मल सिस्टम भी था, उसमें पार्ट थे, देर आर फाइव पार्ट्स, इसमें चार पांच प्रकार थे। पहला जिसमें हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें था बैंकिंग और एक था नॉन बैंकिंग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था, कैपिटल मार्केट था, मनी मार्केट था। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें दो चीज़ था, एक डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था और एक इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या चौथा पॉइंट है? फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको आइडिया लग गया होगा कि टाइप्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज आर सर्विसेज विच इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द मनी। इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड एसेट्स। ये करता क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, आप अगर पैसा देते हो वो भी चीज़ कवर होती है, मैनेज करता है आपकी मनी और एसेट्स को, तो वो चीज़ें भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज आर नीडेड फॉर द फॉलोइंग, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बोरोइंग और लेंडिंग में फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टिंग में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड मैनेजिंग रिस्क, इन सारी चीज़ों में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फाइनेंशियल सर्विसेज की, फाइनेंशियल सर्विसेज की। आई रिपीट, बोरोइंग एंड लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, बोरो करेंगे और लेंड करेंगे, पैसा लेंगे या देंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो भी फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली पड़ेगी, मेकिंग एंड इनेबलिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट करना और या फिर पेमेंट करवाना, सेटल करना या करवाना, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल सर्विसेज की। मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करने में भी फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। लिक्विडिटी, अगला पैरा, लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। लिक्विडिटी किस लिए रिक्वायर्ड है? आपके तुरंत पैसा, लिक्विडिटी मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप कितना जल्दी आप इन कैश कर लेते हो। लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, उसका मेन की है। फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करना है तो आपको लिक्विडिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिक्विडिटी इज इन्हांस्ड थ्रू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ में जब आप ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी आपकी इन्हांस हो जाती है, आपको तुरंत कैश मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लिक्विडिटी इज प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर्स हु असिस्ट द बायर्स एंड सेलर फॉर सिक्योरिटीज अराइविंग एट द ट्रेड एग्रीमेंट। ये लिक्विडिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? जब आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो मार्केट मेकर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लिक्विडिटी अकॉर्डिंग बाय एंड सेल कोड्स। मार्केट मेकर्स बनाने वाले वो भी आपको हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में लिक्विडिटी को, मतलब आपको जल्दी बेच के जल्दी कैश करने में भी ये आपकी मदद करते हैं। द प्रोसीजर्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एक्सचेंज। द
प्रोड्यूसर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोसीजर्स मैंने पढ़ा था क्या, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर है फाइनेंशियल सर्विसेज के आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सच एज बैंक। फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि बैंक हो गया, कहाँ से आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग एंड क्रेडिट रेटिंग। ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाती हैं कहाँ से, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि बैंक्स आपको फैसिलिटी देगा, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज सच एज मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग की फैसिलिटी, हायर परचेज की फैसिलिटी, फैक्टरिंग और क्रेडिट रेटिंग की फैसिलिटी, ये सारी दी जाती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रिज द गैप बिटवीन द लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड लेटेस्ट ट्रेंड इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट। ये गैप को ब्रिज द गैप को गैप को कम करता है किसके किसके बीच में, एक इन्वेस्टर और मार्केट के बीच में, ये मार्केट है और ये इन्वेस्टर है, इसमें जो नॉलेज का गैप है, लैक ऑफ नॉलेज। अब एक इन्वेस्टर को मार्केट में क्या हो रहा है वो पता नहीं है, अब ये कौन कम करेगा भाई साहब, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर करके इसकी गैप को फुलफिल करेंगे। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको अपना ब्रोकर बता देगा कि भैया क्या दिक्कत है क्या नहीं, आपका अपना बैंक बता देगा, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको बता देगी फाइनेंशियल सर्विसेज दे के कि भाई साहब देखो मार्केट में ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, ट्रेंड है, वो सारी बातें आपको वहां से पता चल जाएगी। सो फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्रिज द गैप बिटवीन द लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड लेटेस्ट मार्केट और इन्वेस्टर्स के बीच का जो गैप है वो कम करेगा। दीज फाइनेंशियल सर्विसेज आर इसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस, ये बहुत जरूरी है नए बिजनेस क्रिएट करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा इसेंशियल है क्रिएशन ऑफ द न्यू बिजनेस, किसके किसके लिए भाई, नया बिजनेस बनाना है आपको, एक्सपेंशन करना है आपको, एक्सपेंशन किसका ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, जी हाँ वही उसी का तो एक्सपेंशन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ। द वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड, आपको पता चल जाएगा कि भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गैप कम होता है एक इन्वेस्टर और मार्केट में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, पहला एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, आइए देखते हैं। कंपनीज नीड कैश नो डाउट इन ऑर्डर टू ग्रो एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस, नो डाउट पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है उनको ग्रो और एक्सपेंड दो चीजों के लिए, जी हाँ उनको ग्रो करना है या फिर एक्सपेंड करना है, अपनी कंपनीज को बढ़ाना है, और भी चीज़ों को खरीदना है, और भी लाइक कंपनीज को खरीदना है। इन्वेस्टमेंट बैंक सेल्स सिक्योरिटीज टू पब्लिक इन्वेस्टर इन ऑर्डर टू रेज द कैश, आई रिपीट इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं, सपोज आप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप एक कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल करोगे, ठीक है, किसको, पब्लिक इन्वेस्टर्स को, जो पैसा आप को लगाएंगे उनकी सिक्योरिटी बेच के फिर कंपनी को आप पैसा दे दोगे। तो भैया कंपनी की सिक्योरिटी बेच के कंपनी को पैसा देने का काम कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम। दीज सिक्योरिटीज कम इन द फॉर्म ऑफ द स्टॉक और बॉन्ड, स्टॉक भी हो सकता है बॉन्ड भी हो सकता है। दीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर एसेंशियली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हु असिस्ट देयर क्लाइंट इन रेजिंग कैपिटल आइदर बाय अंडरराइटिंग देयर शेयर्स और बॉन्ड्स और बाय एक्टिंग एज एन एजेंट इन द इश्यूएंस ऑफ द सिक्योरिटीज। ये देखो भैया उनका शेयर बेच करके या बिछवा करके इनको पैसा इकट्ठा कराना है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देगा जिससे आपकी सिक्योरिटीज आप इशू करा दो या फिर नया इशू करो या फिर वो बेच देंगे सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स पब्लिक इन्वेस्टर्स को जिससे आपकी कैपिटल रेज हो जाएगी। तो ये एक टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि इन्वेस्टर और कंपनीज के बीच में काम करती है। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग मीन्स क्रेडिट रेटिंग मीन्स एन असेसमेंट मेड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएशन। क्रेडिट रिस्क का इवैल्यूएशन करके बना हुआ रेटिंग,
translated into a current opinion as on a specific date on the quality of a specific debt security issued or on obligation taken by an enterprise in terms of the ability and willingness to obligate to meet the principal and principal on the rated in. कहने का मतलब क्या है? आपकी ability कितनी है? Ability and willingness of obligator to meet principal and interest payment. आपको देखो भैया, credit rating का simple सा मतलब ये होता है, principal और interest आपको pay करने की ability कितनी है और willingness कितना है. 10 की rating होती है, अगर आपका rating जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी capacity ability रहेगी payment करने की. Suppose आपकी credit rating 9 out of 10 है, so your rating is higher, मतलब आपके पास capacity है, ability है कि आप उसको समय से payment कर देंगे, आपको loan जल्दी मिल जाएगा. तो credit rating करता क्या है, आपकी देखता है कि आपके पास कितनी ability है. सपोज करो आपका सेल ही नहीं है तो आप पेमेंट कहाँ से करोगे, आपके पास इनकम ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ. इन सारी बातों को देख के वो बताएगा कि भैया आपकी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट करने के एबिलिटी कितनी है और उसके हिसाब से उसको रेटिंग देगा. आपकी रेटिंग हो सकती 3 out of 10 भी हो, 1 out of 10 भी हो, 2.5 भी हो, जैसी आपकी एबिलिटी रहेगी वैसा, जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग रहेगी उतना अच्छा आपको लोन मिलेगा. एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग मींस असेसमेंट मेड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएशन. क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएशन से असेसमेंट बनता है कि भैया क्रेडिट रिस्क कितना है, मतलब पेमेंट करने की क्षमता में कितनी कमी और बढ़ोतरी है. Translated into current opinion as on a specific date पे on the quality of specific debt security. एक specific date पे एक specific debt security issued जो issue हुआ है और an obligator undertaken by enterprise in terms of the ability and willingness of the obligator to meet principal interest payment on the rated debt instrument in a timely manner. उस समय में वो देखेगा कि भैया एक specific date पे एक specific securities को एक particular date तक, I repeat, एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक सिक्योरिटीज को एक पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट करने की आपकी कैपेसिटी कितनी, उसके हिसाब से आपको रेटिंग देगी और उसको बोलेंगे क्रेडिट रेटिंग. थस क्रेडिट रेटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ रेटिंग एजेंसी. उनका एक ओपिनियन होता है बेसिकली कि भैया आपकी क्या कैपेसिटी है, एबिलिटी है. द ओपिनियन इज रिगार्ड टू डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्ड में ही होता है, लोन के ही रिगार्ड्स में होता है, रिपीट, शेयर कैपिटल के रिगार्ड में नहीं होगा. द ओपिनियन इज ऑन स्पेसिफिक डेट, आई रिपीट, ये एक पर्टिकुलर डेट पे दिया जाता है कि भैया ऑन दिस, सपोज करो ऑन द बैलेंस शीट डेट और ऑन रिपोर्टिंग डेट ऑन 31st March दिस की भैया ये इतनी ये रेटिंग है, आप उसके हिसाब से देखिए. द ओपिनियन इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क इवैल्यूएशन. ये कहाँ पूरी तरीके से आपके रिस्क इवैल्यूएशन आपकी क्षमता के ऊपर देख के बनाया जाता है. द ओपिनियन डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन बींग मेट टाइमली. ये डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के ऑब्लिगेशन को मीट करेंगे टाइमली या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है क्रेडिट रेटिंग. तो ये है 5 क्रक्स पॉइंट. मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि भैया ये रेटिंग एजेंसी द्वारा दिया जाता है, डेट इंस्ट्रूमेंट पे दिया जाएगा, स्पेसिफिक डेट पे आ जाएगा, आपका रिस्क इवैल्यूएट करके दिया जाएगा और इंटरेस्ट प्रिंसिपल की ऑब्लिगेशन को आप टाइमली मीट की कैसे करते हो उसको ध्यान रख के बनाई जाती है. Such opinion is relevant to the investors due to the increase in the number of issues and in the presence of the newer financial products, asset backed securities and credit derivatives. कह रहा है कि मतलब भैया इससे investors को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि वो ये identify कर पाएंगे कि अगर मैं इस company के debt को खरीदता हूँ या bond या debenture में invest करता हूँ तो मेरी को पैसा मिलेगा नहीं है. बैंक जब लोन देगा companies को तो वो देखेगा कि भैया अगर मैं इस company को लोन दे रहा हूँ तो इसकी credit rating कैसी है और कैसी रहने वाली है, तो उस हिसाब से वो लोन देगा, उतना ही लोन देगा. ठीक है, अगला आता है कंज्यूमर फाइनेंस. हम लोग बोल पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज. क्रेडिट रेटिंग भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि दी जाती है. कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स टू फाइनेंस परचेज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज. आपको शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म लोन दिया जाता है, आप अपनी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं या फिर ले सकते हैं सर्विसेज पर्सनल यूज के लिए, इस पर्पस के लिए होता है. ठीक है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस विच आर मैन्युफैक्चरर, सेलर, डीलर्स, फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स एंड क्रेडिट एंड कार्ड कंपनीज. भैया आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से मिल सकता है, बैंक से मिल सकता है, फाइनेंस कंपनी से मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेलर डीलर से भी मिल सकता है. सपोज करो आपको घर में फ्रीज खरीदना है, ठीक है,
तो आपके पास बजाज कि ये फाइनेंसिंग कंपनी है बजाज, ये EMI की फैसिलिटी आपको लोन दे सकती है, शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म 0% इंटरेस्ट पे भी आजकल मिल जाता है, कैपिटल फर्स्ट, IDFC फर्स्ट, जो भी बोलो IDFC फर्स्ट हो गया अभी, SDFC का भी एक है फाइनेंस कंपनी, उसके बाद बैंक आपको भी ऑफर दे सकता है, आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलेगी भैया EMI पे ले लो, 10% 12% इंटरेस्ट पे दे देना, आपका जो सेलर है मैन्युफैक्चरर है, जो आपका मैन्युफैक्चरर सेलर और डीलर हो तो बोलेगा भैया 10% आप दे दो, EMI पे दे दो, या फिर मैं लोन दे देता हूँ आप बाद में पेमेंट करो, क्रेडिट पे तो आप दे ही सकते हैं, तो इसको बोलेंगे आप कंज्यूमर फाइनेंस। इन द पास्ट बैंक्स प्रोवाइडेड फाइनेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहले होता क्या था कि बैंक प्रोवाइड करता था फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, द कंज्यूमर बोरोड मनी फ्रॉम द सेलर और डीलर डायरेक्टली, और सेलर डीलर से डायरेक्टली वो बोरो करता था मनी, फाइनेंस कंपनीज टू इंटर दिस एरेना एंड वाइल क्रेडिट कार्ड इंट्रीज विद द सपोर्ट फ्रॉम द बैंक स्टार्टेड ऑपरेटिंग द सब्सटेंशियल सक्सेस। ये बोला जो फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज हो गया, IDFC फर्स्ट हो गया, SDFC का एक है और भी बहुत सारे हैं, वो जो फाइनेंस कंपनीज और क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो अभी आ गई वो कंज्यूमर को फिनेंस करती हैं, जैसे मैंने EMI का ऑप्शन बताया आपको बजाज फाइनेंस का और फिर कैपिटल IDFC फर्स्ट है SDFC का, तो वो एक फाइनेंस कंपनीज है, ये आपको फाइनेंस करती हैं डायरेक्टली, और आपकी क्रेडिट कार्ड जब भी कोई सेल आती है तो आपको क्रेडिट कार्ड पे आपको दी जाती है EMI की ऑप्शन, ठीक है, या फिर आप बाद में पेमेंट करने की ऑप्शन। Both nationalized and private sector banks have started marketing aggressively for a large slice of the market share in the consumer finance segment. अभी वही बोला ना मैंने, बहुत ही ज़्यादा extensively ये लोग इस पे ध्यान दे रहा है। Employees also provide loan facilities to salary earns as a part of the welfare scheme for their employees. जी हाँ, employees नहीं, employers provide करते हैं employees को facility कि भैया आप इतना पैसा ले लो, फिर बाद में payment कर देना है खरीद के, आपको जो चीज़ खरीदनी है consumer personal use के लिए आप खरीद लो, बाद में हमें पैसा दे देना। In big concern, employees organize themselves into cooperative credit society and funds raised by its members through periodical contribution are used as a loan assistance to the low interest rate. अब employee में क्या होता है, वो fund raise करते हैं वो लोग और उसको low interest rate पे दे देते हैं। तो consumer finance के हमने चार part देख ली, पहला है manufacturer, seller और dealer के द्वारा दिया गया, finance company अभी बहुत ही ज़्यादा popular है, banks भी आपको loan दे सकता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी आपको देती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द फाइनेंस कंपनीज, सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर है फाइनेंस कंपनी, तो भी ये भी होगी आपको एक फाइनेंशियल सर्विसेज। फैक्टरिंग, आइए देखते हैं फैक्टरिंग। The concept has not been fully developed in our country and most of their work is done by the companies themselves. हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हो गया, ज़्यादातर ये काम कंपनीज द्वारा ही किया जाता है। ऑल यूनिट्स पर्टिकुलरली स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैव टू मेक कंसिडरेबल एफर्ट्स टू रियलाइज देयर सेल प्रोसेस विदाउट मच सक्सेस क्रिएटिंग फंक्शनल डिफिकल्टी फॉर सच यूनिट। बोला कि ऑल पर्टिकुलरली स्मॉल और मीडियम साइज यूनिट्स हैव टू मेक कंसिडरेबल एफर्ट्स टू रियलाइज सेल प्रोसीड, भैया पैसा माल बेच दिया उसको रियलाइज करने के लिए उसकी पूरी मेहनत करनी पड़ती विदाउट मच सक्सेस क्रिएटिंग फंक्शनल डिफिकल्टी, जिससे कि फंक्शनल डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। मेनी अ यूनिट अंडर स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैव बिकम सिक ओनली बिकॉज ऑफ द डिले और नॉन रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द लार्जेस्ट यूनिट्स। जी हाँ, आप माल बेच दिए लेकिन पैसा नहीं मिला, आप क्रेडिट पे तो माल बेचना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिशन एक भैया 2 महीने का क्रेडिट 3 महीने का क्रेडिट पे माल ले जाओ पेमेंट कर दे, लेकिन उनसे पैसा लेने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब आगे क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्टरिंग सर्विसेज विल देयर फोर प्रोवाइड वेरी बेनिफिशियल फॉर सच यूनिट एज इट विल फ्री देन फ्रॉम हैसल्स ऑफ कलेक्टिंग रिसीवेबल्स टू एनेबल देम कंसर्टेबल ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यह फैक्टरिंग से क्या होगा, वो किसी को बोल देंगे भैया वो मेरा पैसा तुम ले लेना, मेरे को कुछ कम पे पैसा दे दो, हम इसको अपना बिजनेस में लगाते हैं, आप उनसे पैसा कलेक्ट करो, जिससे क्या होगा कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग पे, ठीक है। फैक्टरिंग मतलब कि भैया आप अपने पैसा जो आप कलेक्ट करने वाले हैं वो पैसा आप बोलो आप दूसरा कोई कलेक्ट कर लो, लेकिन हमें हम थोड़ा कम पैसा दो हमें और आप कलेक्ट करो, आप अपना मार्जिन रख लो, उनसे कलेक्ट कर लो, आपका झमेला हो गया वो, हमें अपने बिजनेस पे फोकस करने दो, तो ये भी एक टाइप का फैक्टरिंग
फाइनेंशियल सर्विसेज है, बट ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, तो इसीलिए आपने ज़्यादा इसे सुना नहीं होगा। हाउसिंग फाइनेंस, द वॉल्यूम एंड ग्रोथ रेट अक्रॉस द टाइम पीरियड आर इन हाउसिंग लोन्स आर व्यूड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर्स ऑफ मेजर ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। भैया जितना ज़्यादा होम लोन दिया जाएगा, लोग घर खरीदेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी को मेजर करने के लिए। द डिमांड ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कम्स फ्रॉम सैलरी नॉन रेसिडेंट, सैलरी अर्नड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स विद देयर बेसिक नीड ऑफ रूफ ओवर द हेड, घर छत मतलब सर के ऊपर एक छत होना चाहिए, विद देयर बेसिक नीड, जिनकी बेसिक जरूरत होती है उनको हाउसिंग फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब सर के ऊपर एक छत हो जैसे सैलरी अर्नर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों लोग को लगता है जरूरत, ठीक है। नॉन रेसिडेंट्स हैविंग एन आई ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द एसेट और विद एन आई थ्रू देयर पॉसिबल रीसेटलमेंट इन इंडिया फॉर NRIs, जो भैया जो विदेश है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं भैया बाद में बेच देंगे, तो उनके लिए भी एक हाउसिंग फाइनेंस। द सपोर्ट ऑफ लोन्स कम फ्रॉम LIC भी देता है, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग कंपनीज SDFCs, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल निधिस एंड चीट फंड्स, कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटीज, एम्प्लॉयर्स। आपको बस पता होगा कि होम लोन घर से मतलब बैंक से ही मिलता है, ऐसा नहीं है बॉस, LIC भी लोन देता है। LIC की पूरी एक बॉडी LIC हाउसिंग, वो LIC आपके सपोज करो आपके पास LIC आपने इन्वेस्टमेंट किया LIC का, अगर वो LIC 3 ईयर से ज़्यादा पुरानी होगी, 3 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी है, तो आप उस LIC को ले जाके बेच सकते हो, मतलब उसके कंपैरिजन में कि भैया मेच्योरिटी पे मुझे 80-90% तो मुझे मिलेगा ही, आप 80-90 सपोज करो आपकी LIC की मेच्योरिटी वैल्यू 5 लाख है या 8 लाख है या 10 लाख, ठीक है, तो आपको उसका कम से कम 7 या 8 लाख तक का हाउसिंग लोन मिल सकता है एट द रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो 8 या 9% है उस पर, ठीक है, तो LIC भी लोन, हाँ नेशनल हाउसिंग बैंक या बैंक्स तो देते ही हैं, प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग कंपनीज जस्ट लाइक SDFC कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं सभी देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी देती हैं, निधि और चीट फंड्स में भी आपका जो पैसा वो भी देता है, कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटीज भी देती हैं, इम्प्लॉयर एक्सटेंसिव स्टाफ लोन्स फॉर हाउसिंग, और आपका प्राइवेट मनी लेंडर्स भी दे सकता है, और मतलब जिससे भी चाहो उससे भी लोन ले सकते हो। हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली जिसके सर पे छत नहीं है और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। एसेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये अगला सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट कंपनी, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी ARC फर्स्ट टास्क इज टू मैनेज एंड कन्वर्ट द सिक कंपनीज और दोज कंपनीज हुज NPAs रोज टू सिग्निफिकेंट लेवल इन टू प्रॉफिटेबल वंस। भैया बोला एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी फर्स्ट टास्क इज टू मैनेज एंड कन्वर्ट सिक कंपनीज, बीमार जो कंपनीज हैं, सिक कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो कंपनी चल नहीं रही है, और दोज हुज NPAs रोज टू सिग्निफिकेंट लेवल, या फिर जो इंसॉल्वेंट होने के कगार पे, भैया पैसा नहीं है चुकाने के लिए, बट द एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज फेस द रिस्क ऑफ सफरिंग लॉस इफ द कंपनी दे आर ट्राइंग टू मैनेज मे लैंड इटसेल्फ इनटू द इंसॉल्वेंसी। अब एसेट रिस्ट्रक्चरिंग इनको बचाती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ARC इसको करने में खुद ही इंसॉल्वेंट ना हो जाए, हो सकती है। हाउ वेयर इफ प्रॉपरली मैनेज द ARC मे बी एबल टू रिकवर देम फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जी हाँ ARC उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर निकाल सकती है, कन्वर्ट देम इनटू प्रॉफिटेबल वंस और उनको प्रॉफिटेबल बना सकती है, एंड ट्रांसफर देम टू वर्दी कैंडिडेट और उनको ट्रांसफर जैसे उनसे खरीद के दूसरे जो पावरफुल आदमी उनको ट्रांसफर करके जो कि उस सिचुएशन को मैनेज करके निकल सकते हैं। ARC चार्ज अ कमीशन और फी फॉर डिस्ट्रेस्ड कंपनी फॉर देयर सर्विसेज, इस सर्विसेज के लिए मतलब एसेट रिस्ट्रक्चरिंग और मैनेजमेंट कंपनीज उसके लिए कुछ चार्ज करती हैं, आपकी बीमारी कंपनीज को इंसॉल्वेंट कंपनीज को खरीद लेंगी, दूसरे को बेच देंगी या फिर खुद खरीद के चलाएंगी और फिर बाद में बेच देंगे, तो इस फैसिलिटी के लिए वो लोग एक चार्ज लेता है, कमीशन बोलते हैं उसको। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पूल लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्ट दिस पूल्ड रिसोर्सेज इन द डाइवर्स सिक्योरिटी बाई पेइंग आउट प्रोफेशनल रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर ली हमने, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, पुल लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जी हाँ AMCs क्या करती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत
इन्वेस्टर्स का लार्ज अमाउंट में पैसा लेंगी और उसको डाइवर्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, एक नहीं डाइवर्स बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे बाय पेइंग आउट प्रोपोर्शनल रिटर्न्स टू इन्वेस्टर और एक इन्वेस्टर्स को एक प्रोपोर्शनल रिटर्न देके। सिंपली पुट दे हेल्प देयर क्लाइंट टू इन्वेस्ट मनी एंड बाय सिक्योरिटीज। बेसिकली करता क्या है, अपने क्लाइंट को बोलेंगे भैया आप इन्वेस्ट करो और बाई करो सिक्योरिटीज को। They decide what to buy by relying on in-house research and data analytics. और वो कैसे करते हैं, अपनी घर में in-house research करते हैं AMCs और वो decide करते हैं कहाँ लगाना चाहिए और data analytics की मदद से। AMC charges a small fees for the sort of work। एक छोटा सा amount इसके लिए charge करता है। आपके पास पैसा बहुत है ना, AMC को दे दो, वो research करेगा, लगाएगा और आपको एक part proportional rate of return भी देगा। ठीक है, समझ गए AMCs की। ये भी एक सर्विस है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग और एसेट मैनेजमेंट डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सिस्टम इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटीज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी सिस्टम किससे कंसर्न है, विद द कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटीज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बोला भैया डिपॉजिटरी सिस्टम इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटीज फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज। ऑल सिक्योरिटीज इन डिपॉजिट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड दिस फंजाइल द ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस बाय मींस ऑफ द बुक एंट्रीज एंड अवॉइडिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द पीपल। भैया डिपॉजिटरी है जहाँ पे आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, और बेचते हो, तो आपको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं मिलता ना शेयर का। जैसे आपने शेयर खरीदा, आपने एक शेयर खरीदा, सपोज करो आपने ITC का शेयर खरीदा है, तो खरीदा तो आपको कोई फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, वो डिपॉजिटरी में ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, सपोज करो डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, डीमैट अकाउंट में आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, फिर वो जिसको जो कोई और खरीदेगा तो उसके डीमैट में चला जाएगा। सो डिपॉजिटरी सर्विसेज यही होता है, ये फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिपॉजिटरी सर्विस के बाद आ गया डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आर ऑल्सो नोन एज चेक कार्ड, इसको हम चेक कार्ड के नाम से भी जानते हैं। चेक कार्ड, डेबिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड दैट प्रोवाइड्स The card holder electronic access to his or her bank. जी हाँ, electronic access provide करता है at a financial institution का, एक financial institution पर। Debit cards look like credit cards or ATM, ATM cards, but operate like cash or a personal check. एक cash और personal check की तरह ही काम करता है। Debit cards are different from credit cards. While जो basic difference है यहाँ पे बताया हुआ है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या है बेसिक डिफरेंस। क्रेडिट डेबिट कार्ड बोलता है पे नाउ, मतलब डेबिट कार्ड में होता है पे नाउ, ठीक है, और यहाँ पे होता है पे लेटर, बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसकी लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की 2 लाख 1 लाख तक की लिमिट होती है, 10-20-25,000 तक भी हो सकती है। व्हेन वन कैन यूज एज अ डेबिट कार्ड हिज मनी इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम हिज चेक और सेविंग अकाउंट, उसके सेविंग अकाउंट से तुरंत पैसा कट जाता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस है जो आप सभी जानते हो डेबिट कार्ड क्या होता है। भैया आपके बैंक आपको एक कार्ड देता है कि भैया आपके पास इतना पैसा, उसको आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो, और एक क्रेडिट कार्ड भी देता है जिसका मकसद होता है कि आप एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हो और बाद में पेमेंट कर सकते हो विथ 30 डेज 90 डेज लिमिट और 60 डेज लिमिट। भैया 60 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत है। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग इज एन इंटरनेट बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग फैसिलिटी। अगली फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वेयर इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड शेयर्स थ्रू वेबसाइट विदाउट एनी म्यूचुअल इंटरवेंशन फ्रॉम द ब्रोकर। जैसे मैं कर रहा था अभी, आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि भैया आप बिना ब्रोकर के ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद रिच इंटरक्टिव इन्फॉर्मेशन रियल टाइम इंक्लूडिंग मार्केट अपडेट इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड रिव्यू। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अकाउंट डीमैट खोलिए और आराम से ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ही लंबी चौड़ी। और अगला टॉपिक अपना है
फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, उसको पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाइयों और बहनों जो भी हो दोनों लोग सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है। शुक्रिया।